आपका मेज़बान महबूब अहमद। इस लेक्चर में मैं आपको मुकम्मल तौर पर पास्ट पेपर या सैम्पल पेपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के बताऊंगा। जिस तरह इससे पहले मैंने पहली वीडियो अपलोड की अपलोड चौन सी की है, उसमें मैंने आपको बताया था PMS के कंपलसरी सब्जेक्ट क्या हैं। उसको बताने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको किस तरह से पास किया जाए। तो फिर मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके पास्ट पेपर और उसके मैं सैम्पल पेपर कंपलसरी सब्जेक्ट्स के पेश करूंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सके आप और आप उससे इस्तफादा हासिल कर सकें। आइए नाउ वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पेपर या सैम्पल पेपर। दिस इज द पेपर ऑफ द 2019 एंड दिस पेपर इज इस्लामिक स्टडी एंड इन दिस पेपर वी कैन सी दैट वी वॉज गिवन 3 आवर्स टू अटेम्प्ट द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द क्वेश्चंस एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू यू कैन नोट यू कैन स्टडी दिस नोट्स या यू कैन स्पीक दिस नोट्स। तमाम सवालात में से 5 सवाल हल करें, 7वें सवाल भी शामिल है जो कि लाजमी है। अब देखते हैं 7वां सवाल। मैं पहले आपको बता दूं कि 7वां सवाल इन्होंने इसमें है कौन सा। ये देखिए 7वां सवाल बेसिकली मरूजी है। ये मरूजी अब पहले आती है, ये थोड़ा सा पास्ट पेपर 2019 का है, तो इसलिए पहले मरूजी का पेपर दिया जाता है, क्योंकि ये सैम्पल पेपर है तो इसलिए पहले मरूजी का पेपर होगा, फिर आपका इंशाइया का पेपर होता है। तो आइए हम चलते हैं पहला सवाल सवाल की तरफ। देखें अब मैं सवाल तो नहीं पढ़ूंगा, बस मैं आपको बताता जाऊंगा। देखें ये पहला सवाल आया है 20 नंबर का, दूसरा सवाल भी 20 नंबर का, तीसरा सवाल भी 20 नंबर का, चौथा सवाल भी 20 नंबर का, 5वां सवाल भी 20 नंबर का, और छठा सवाल भी 20 नंबर का, और 7वां सवाल भी 20 नंबर का। आपने इन 6 सवालों में से 4 सवाल के जवाब देने हैं और हर सवाल के 20 नंबर होंगे। इस्लामियात का सैम्पल पेपर है और 20 नंबर की मरूजी होगी, और वो मरूजी मुकम्मल तौर पर हर एक 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 मार्क्स होगा और वो 20 नंबर का की होगी। तो टोटल मिला के 100 नंबर का आपको मैंने सैम्पल पेपर दिखा दिया। आप देख सकते हैं दोबारा इसे देखें। तमाम सवालात वी कैन अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन इन दिस पेपर एंड आफ्टर दैट वी कैन अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव पेपर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर विच आई मैंशन इन दिस स्क्रीन। यू कैन सी दैट नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो दिस इज द पेपर ऑफ द यू कैन सी दैट दिस इज द पेपर ऑफ उर्दू एंड एंड आई विल डिस्कस अबाउट दिस बिकॉज दिस पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बिकॉज दिस पेपर इज ओनली इज मैंशन इन द PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज एंड दिस पेपर इज नॉट मैंशन इन द CSS एंड वी कैन सी दैट टोटल टाइम फॉर दिस टू अटेम्प्ट दिस पेपर इज 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क इज 100 एंड वी कैन सी दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज सवाल नंबर 1। वो देख लें आप, एक मौजू लिखिए कम अज़ कम 1000 अल्फाज पर। आपने इनमें से किसी एक के बारे में लिखना है। ये देखिए मौजूदा हाल के मुतलिक है, क्या मीडिया के लिए ज़ाबता अखलाक आज़ादी ज़ाहिर राय पर कदखन है। कश्मीर माजी हाल और मुस्तकिल कश्मीर के बारे में बताएं या बढ़ती आबादी में जो मसाइल होंगे वो बताएं। अगर दूसरा सवाल देख लें, तलखीस करनी है आपने, तलखीस बेसिकली प्रेस ही होती है। तो तीसरा सवाल देख लें आपने, शेरों में से जुमलों की दुरुस्ती करनी है। मैं आपका मशकूर हूँ, कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब देखें मैं आपका मशकूर हूँ, अब इसका सही क्या होगा, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। आगे कीमतें दिन ब दिन रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, ये आपने 10 अटैम्प्ट करने हैं इस तरह। तो ये जो से नीचे जुमलों में इस्तेमाल करने हैं, तोती बोलना आप देख सकते हैं आजकल उसकी बहुत तोती बोलता है क्योंकि वो एक कामयाब हो चुका है। जोर जोर खिलना, पापड़ बेलना, मैंने PMS क्लियर करने के लिए हर लिहाज से पापड़ बेले। तो ये देख सकते हैं आपसे दर्ज आगे इशार है, इसमें से आपने ना 2 की 3 की तशरीह करनी उन्होंने लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर है, बल्कि ये सैम्पल पेपर नहीं आप कह सकते हैं, ये पेपर लिया गया था 2019 में लिया गया था। और आपको मैं सैम्पल पेपर आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह का बिल्कुल पेपर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहचाना जो आपको, तो मैं पहचाना खुदा के 23 मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। अब कहाँ कुछ लाला गुल में नमाया होंगी, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिनाहा होंगी। मेरा तरीके अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये आप देख सकते हैं कि जो उनसे शाही शेर हैं या वर्सीज हैं वो इलामा इकबाल के हैं, तो आप इलामा इकबाल पर फोकस करें। तो ये था
और आखिर में ये छठा सवाल आता है उर्दू के बारे में, ये आपको नज़र आ रही है इंग्लिश, आपने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी है। तो ये मुकम्मल तौर पर पेपर ये भी हल हो चुका है, आप आगे चलते हैं, हम आपकी खिदमत में लाए हैं पेपर, ये दे सकते हैं आप। प्रेसी का पेपर है, ये भी 2019 का पेपर है। अब देखें प्रेसी के पेपर में आप देख सकते हैं जेंडर इन इक्वालिटी इन पाकिस्तान, ये इस पर आपने पैराग्राफ लिखना है, 200 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आपने इसमें अपनी मुकम्मल क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करनी है कि जेंडर इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान है कैसे, जो आप जेंडर स्टडी जो उनसे पढ़ते हैं लोगों ने पढ़ता है, जेंडर बेसिकली मेल और फीमेल को तसव्वुर किया जाता है, इन इक्वालिटी से मुराद ये है यहाँ के उनमें जिस तरह औरतों को हकूक नहीं दिए जाते और उससे हटकर औरतों को जॉब की फैकल्टीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, औरतों को पढ़ाई में आगे नहीं तसव्वुर किया जाता, और उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है सोशल लिहाज से, इकोनॉमिकली और पोलिटिकली लिहाज से। पर अब बेहतर, काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर होती जाएगी। अब गुड गवर्नेंस इन पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए ये देखते हैं, जब मीडिया का रोल, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। 20 नंबर का ये होगा, और दूसरा क्वेश्चन, यू कैन सी दैट यू कैन अटेम्प्ट एनी पेन फ्रेजल वर्ब, या यू कैन से दैट्स एडियम्स विच मैंशन इन दिस पेपर, एंड द थर्ड क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर इन्वाइटिंग हिम टू ज्वाइन यू विजिट अ पाकिस्तान नॉर्दर्न एरिया, ये विजिटिंग का आपने अपने दोस्त को खत लिखना है कि वो आए मेरे साथ विजिट करिए। ये है प्रेसी, आगे कौन सा सवाल आ रहा है जिसे आप चौथा सवाल कह सकते हैं, ये प्रेसी का सवाल है। और ये नवा सवाल आप देख सकते हैं, उर्दू में ट्रांसलेशन है, आपने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन मिस हो चुके थे। तो आप चौथा सवाल देख सकते हैं कि आपने राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स के, आपने एंटोनिम्स मतलब उनके जो उनसे मुतजाद आपने लिखनी है, फीबल, वेन, अबहोर, अगेल, नादिर, इनके आपने लिखने। आगे आप देख सकते हैं, आप नरेशन को तब्दील करना है, ये बेसिकली डायरेक्ट इंडायरेक्ट है, तो ये 5 आपने हल करने हैं। आगे आप देख सकते हैं वॉइस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, 5 आपने करने हैं। प्रपोजिशन है तो ये भी आपने 10 करनी है, 10 में से 10 करनी होगी। आगे 20 नंबर की प्रेसी आएगी, आगे आप देख सकते हैं नवा सवाल, एक पैराग्राफ दिया होगा उर्दू में, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ये इंग्लिश और प्रेसी का पेपर, अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे आपको मैं पेपर ए की है, जो बेसिक पेपर है वो है एसए का पेपर। तो एसए के पेपर में आप सब भी ही जानते हैं, ये देखें इस एसए का पेपर आपके सामने आ चुका है, तो यू कैन सी दैट दिस पेपर इज बेसिकली, दिस पेपर इज ओनली बेस्ड ऑन वन एसए। यू कैन सी दैट इन दिस पेपर आई थिंक 4 6 6 एसेज आर मेंशन ऑन दिस पेपर, एंड यू कैन अटेम्प्ट And you can attempt only one paper on the only one question from this.